यहाँ पे कोई टनल बन रहा है, जी मोड टनल आई थिंक। ज्योतिला टनल तो नहीं है, वो तो आगे है, ये कोई और टनल है। और हम सोनमार्ग आ गए हैं। सोनमार्ग, वेलकम टू सोनमार्ग। यहाँ पे हो गया थोड़ा सा ट्रैफिक जैम, वो आगे तक लाइन लगी हुई है ट्रकों की। यहाँ से तो जगह ही नहीं है निकलने का, कहाँ से निकले। बच्चा बाय बाय कर रहा है, हम भी कर रहे हैं। व्हाट ए ब्यूटी। ये है सारा कारगिल, काफ़ी बड़ा है। हमने यहाँ पे अपने सारे काम कर लिए, एटीएम से पैसे निकलवा लिए, पेट्रोल डलवा लिया, और थोड़ा बाइक का मिरर लूज हो गया था वो भी फिक्स कर लिया। अब हम आगे जा रहे हैं ले। ये आ गया एक और चेक पोस्ट, फातुला टॉप। फातुला टॉप 3800 मीटर, और इसका हमने क्रॉस कर लिया है। और यहाँ से हम जा रहे हैं आगे ले की ओर। बहुत बढ़िया सीनरी हो चुकी है, मज़ा आ रहा है राइड में, ब्यूटीफुल। और हमें हम डाउन डाउन ही जाना है, नीचे सारा वो दिख रहा है ट्रेस सड़क का। बहुत बढ़िया दिख रहा है यहाँ से, मुझे लगा असली की है। तो अभी हम जा रहे हैं नी विलेज। नी विलेज 5 किलोमीटर यहाँ से, 6 किलोमीटर। तो देख के आते हैं वहाँ पे क्या है, वहाँ पे कैंप लगाएंगे। और ये आ गया नी विलेज, जहाँ पर आज होगी कैंपिंग। ऊपर से लेकर नीचे तक फैला हुआ है, और आसपास पहाड़ ही पहाड़। और ये हम आगे स्टैचू, गोंपा स्टैचू, बुद्धा स्टैचू, काफ़ी अच्छा लग रहा है। टाइम हो गया है 5:30, और मैं ढूंढ रहा हूँ कोई कैंपिंग साइट। हम हैं यहाँ पे नी वैली, जिसको न्यू वैली भी आई थिंक कहते हैं। तो यहाँ पे वैली में कैंप लगाया था, और अभी आपको दिखाते हैं बाहर का व्यू। 1, 2, 3, ये देखिए
यहाँ पे बाइक खड़ा है, नदी बह रही है साथ में, और वो अच्छा सा एक स्टैचू है बुद्धा का, काफ़ी बड़ा है, मोनेस्ट्री है ये, गोम्पा मोनेस्ट्री, और व्यू बहुत सुंदर है आसपास। तो कल रात को यहाँ पे कैंप लगाया था शाम को, और सारा सामान यहाँ पे ले आए थे हम उतार के, और अभी बस फ्रेश होंगे, मुँह हाथ धोएंगे, ब्रश करेंगे और फिर कुकिंग करेंगे, वो भी बताएंगे आपको क्या कुक करने लगे आज। तो नींद अच्छी पूरी हुई है, ठंड काफ़ी थी सुबह, रात को भी 12-1-2 बजे काफ़ी ठंड हो गई थी, मिनिमम टेम्परेचर आई थिंक 3 गया यहाँ पे, 3 डिग्री सेल्सियस था मिनिमम टेम्परेचर, और ये एल्टीट्यूड है हमारा 3900 मीटर, क्लोज टू 4000 मीटर, काफ़ी हाई एल्टीट्यूड है। कैंप से नीचे आ गए हैं, कैंप है यहाँ पे, और हम नीचे पानी के पास जा रहे हैं थोड़ा ब्रश वगैरह करने, तो वहाँ पे है वाटर का सोर्स थोड़ा पास में, तो वहाँ जा रहे हैं ब्रश करेंगे और फिर कुछ खाए पिएंगे। इमेजिनल फ्लेम में पका दो, दिखेगी नहीं, दिख रही है थोड़ी, पानी गर्म हो रहा है, पानी इज बॉइलिंग एंड बॉइलिंग, सामग्री तैयार है हमारी, और अंदर का कुछ लुक ऐसा है कैंप का, और यहाँ पर सारी कीज वगैरह रखी हुई हैं, और सूरज देवता ने भी हमें अपने दर्शन दे दिए हैं, और ग्रीन टी हो रही है तैयार। ग्रीन टी विद हनी, चीयर्स टू लाइफ। बर्तन धोएंगे थोड़े से, और चावल भी धोएंगे, पानी भरेंगे, और कैंप साइट पे वापस अभी ये काम करेंगे, क्योंकि ग्रीन टी पी ली है, भूख लग रही है काफ़ी, और कल का डिनर भी हमने कुछ ऐसे अच्छे से नहीं किया था, बस शाम को खाया था, तो अब करते हैं
आज हम बना रहे हैं दाल चावल, दिखाते हैं कैसे बनते हैं चावल दाल कैंप साइट पे, हमारा सीक्रेट मैजिक। सीक्रेट मैजिक क्या होता है? हमारा सीक्रेट रेसिपी, सीक्रेट रेसिपी पहाड़ों की दाल मखनी। मिलते हैं अभी आपको थोड़ी देर के बाद। हाय, ये है, क्या नाम था आपका? हाँ, स्टेंजिन यूडोन। सरदिन स्टेंजिन यूडोन। स्टेंजिन यूडोन, स्टेंजिन यूडोन, स्टेंजिन यूडोन। तो इसने हमें कल कैंप साइट के बारे में बताया था, मतलब मैंने यहाँ पे कहा था कैंप करना, तो ये हमें ले गई ऊपर। तो इसने किया था बात ओनर से, तो इसने हमें वहाँ पे कैंप साइट दिलवाई थी स्टेंजिन यूडोन ने। तो ये भी अभी आई है, बड़ी क्यूट है ये। ये आपका भाई है, छोटा भाई है, इसका क्या नाम है? स्टेंजिन जिगमेत। अच्छा, हेलो, ऐसे धोते हैं चावल, सब सीख लो। पानी भर लिया, ये हमारा पानी का जुगाड़ है। और देखो ये भी हमें हेल्प करती है बहुत। यहाँ पे चावल तैयार हो रहे हैं, चावल बासमती चावल एक्चुअली। तो चावल बना रहे हैं यहाँ पे और कैंप साइट पे, और इसके बाद आपको बताएंगे कि दाल कैसे हम बनाएंगे। दैट इज़ द सीक्रेट कि दाल कैसे बनेगी। दाल, काली दाल को काफ़ी वो प्रेशर में बनती है, वैसे वो काली दाल है ना, काफ़ी प्रेशर में बनती है, कुकर लाना पड़ता है उसके लिए। लेकिन हम कैसे बनाएंगे वो आपको बताएंगे, बने रहिएगा। बन रहे हैं चावल और हमारे साथ बैठे हैं क्यूट बच्चे दो, देखो कितने अच्छे हैं। तो अभी हमने बना लिया चावल, ये चावल हमारे बन गए। तो अब हम बनाएंगे दाल मखनी। ये है दाल मखनी, MTR रेडी टू ईट। तो ये ट्राई करने लगे हम, ये है इसका पैकेट। तो इसको बस गर्म करना पड़ता है 2 मिनट के लिए। तो हम ट्राई करेंगे इसको कैसे बनती है, फिर इसको आपका फीडबैक देते हैं कि कैसे टेस्टी है कि कैसी है। तो लेट्स कुक दिस। ये दाल ऐसे बन रही है, तो उन्होंने कहा था कि जो पाउच है उसको 5 मिनट्स के लिए बॉइलिंग वाटर में डाल दो। तो हमने पानी में डाल दिया और ये बॉयल हो रहा है। दाल हमारी बन चुकी है, ठीक है, गर्म पानी में हमने इसको 5-10 मिनट रखा है, 10 मिनट रखा है चूल्हे हमने। तो बन गया है, सही लग रहा है इसका टेक्सचर, खुशबू आ रही है वैसे मुझे मसालों की। तो डाल के दिखाते हैं, और ले लो थोड़ा चावल, चम्मच गया बड़ा वाला। और कुछ ऐसा टेक्सचर है दाल का, जब मैं टेस्ट करके दिखाता हूँ। सिर्फ दाल, अच्छी है, बैड नहीं है वैसे, मतलब पहाड़ों के लिए काफ़ी अच्छी है, इतनी इजीली बन गई। और चावलों के साथ हम खा रहे हैं तो काफ़ी उस हिसाब से काफ़ी अच्छी है ना। कैसा टेस्ट है? अच्छा, तो अच्छा है टेस्ट, मुझे ठीक लगा। अब प्रॉपर वैसे तो मिल नहीं सकती, लेकिन जैसा भी है सही है। गिवन की कितनी जल्दी बन गई है दाल, मसाले सारे, तो उस हिसाब से काफ़ी अच्छा है।
किसी ने कैंप करना हो तो जो अच्छी लोकेशन है उसे नी वैली में, जो कि ले से 50 किलोमीटर पहले ही टर्न मुड़ जाता है इस वैली की ओर। तो अभी हम ले से जाने से पहले हम यहाँ पे मुझे बोर्ड मिला नी वैली का, तो मैंने सोचा देखते हैं क्या है यहाँ पे। तो जब टर्न लिया तो अच्छा था व्यू काफ़ी, तो वहाँ पे कैंपिंग कर ली। और अब यहाँ से निकल रहे हैं, पैकिंग करने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि काफ़ी सामान है हमारे पास। तो हम यहाँ से निकल रहे हैं आगे नई वैली से वापस मेन हाईवे पे ले की ओर जाएंगे। और ये मोनेस्ट्री है, काफ़ी बड़ा स्टैचू है गोम्पा मोनेस्ट्री, और काफ़ी बड़ा स्टैचू है यहाँ पे। और सामने हाईवे दिख रहा है, वाह ब्यूटीफुल वैली। मन नहीं कर रहा था आने का यहाँ से वैसे।